मैं अनिल शर्मा, RTO शिमला। हमें पिछले कल ही ये शिकायत मिली थी कि रिज और माल रोड का जो ये जो सील्ड एरिया है, इन पर कुछ एक एम्बुलेंसेस यात्रियों को ढो रही है, पैसेंजर्स को ढो रही है। तो एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ ऐसे पेशेंट्स को कैरी कर सकती है हॉस्पिटल्स तक जो जिनको एमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचाया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर रूटीन चेकअप वाले जो पेशेंट्स हैं या फिर ऐसे पेशेंट जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको घर छोड़ने के लिए और इस तरह से अगर एम्बुलेंस यूज होगी तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं है। अभी जो है वो 11 ये 12वीं गाड़ी थी, 12 जो है ऐसी एम्बुलेंसेज हमने चेक की हैं, जिनमें से लगभग 7 एम्बुलेंसेज के चलान किए गए हैं, क्योंकि ये या तो पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी या खाली दौड़ रही थी। तो ऐसी गाड़ियों के हमने चलान किए हैं फर्स्ट टाइम, और अगर ये दोबारा से इनका चलान होता है तो चलान का अमाउंट भी बढ़ेगा और हो सकता है कि हम इनकी जो गाड़ी है वो भी इम्पाउंड कर लेंगे।